अच्छा, नवी के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पर आज अपन संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, संस्कृत का पेपर बेटा बहुत ही सिंपल रहता है। यदि मैं आपको इसमें पास होने का तरीका बताऊं ना, तो केवल और केवल आपको निबंध कंप्लीट करना है, अवकाश करनी है, और ये कुछ जो सही विकल्प रिक्त स्थान बता रहे हैं उनमें से आप एक श्लोक करना है, दो श्लोक, ठीक है, और कुछ आपको अपठित गद्यांशनी सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल होता है, पर हमारे बहुत सारे बच्चे संस्कृत के पेपर से डरते हैं। तो चलिए, पेपर आपका कोई सा भी आए, कैसा भी आए, इस पेपर के अलावा भी कभी बदल के पेपर भी आता है आपका, क्योंकि हर जिलों में वैसे अलग अलग पेपर आ रहे हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं तरीका पूरा बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और कहां से सारी चीजें मिलेगी। और भी चीजें, द्वितीय प्लस अरी इतस्य संधि अस्ति। देखो यहां पर द्वितीय री एकदम राइट रहेगा। अच्छा बच्चों, संधि के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, और समाज के लिए भी अभी धीरे मार्सी परीक्षा करो, जैसे तैसे आप कवर कर लो, लेकिन अब आगे जाके अपनो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, सूर्य उदय में आपकी कौन सी संधि है? ठीक है, सूर्योदय में यदि अपन संधि की बात करें तो किस तरह की संधि को अपन कहेंगे? सूर्य उदय, ठीक है, तो सूर्य प्लस उदया, भानुदय, भानु प्लस उदय, ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस तरह का रहेगा ये आपका सूर्य प्लस उदया। इति इत्योक्ता इतस्य संधि भवती, संधि विच्छेद भवती। तो देखो, इति धन उक्त्वा ये बनेगा आपका इत्योक्त्वा, जले मग्ना इतस्य समस्त पदम भवती। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा पद बनेगा? एक आपका जल मग्ना बनेगा। घनश्याम का समास विग्रह, बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा समास के लिए, पर अभी का हाल फिलहाल तो देखो बेटा अपने सामने क्या, आपने सिर के ऊपर क्या चल रहा है, त्रैमासिक परीक्षा और पता चले कि अपन संधि समास का व्याकरण नहीं पढ़ रहे, तो ये अभी काम नहीं करेगा, है ना। ये अभी बता रहा हूँ, उसको सोल्व कर लो तरीका, पर बाकी सेपरेट वीडियो अपन जानेंगे। इसके लिए आपको ना चैनल पर आर्ट पर नंबर भी दे रहे हैं, मोबाइल नंबर, जो जो आपकी शंका हो डाउट हो कमेंट कर दो, कमेंट में कभी कभी नहीं पढ़ पाता हूँ तो मोबाइल पर कॉन्टेक्ट कर लो, कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, कभी कभी व्यस्त रहता है या बंद रहता है किसी कारण से, तो आप मैसेज करो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के साथ साथ हमारे साथ जुड़ो, बिल्कुल आपकी तैयारी पूरी मैं कराऊंगा वार्षिक के लिए। एनुअल एग्जाम पे डंके की चोट में कह दूं कि आपको जनवरी में ही पूरी एनुअल एग्जाम की तैयारी नहीं करा दूं तो, पर बेटा चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। गम प्लस कीतन गति, वी प्लस क्री प्लस, यहां पर कौन सी चीज प्रत्यय जोड़ेगी विक्रयी बन जाए, तो लिय प्रत्यय आएगा। द्रस प्लस कत्वाहा, द्रस प्लस कत्वाहा आएगा दृष्टवाहा। कवि वाणीम का वाद्युतुम प्रार्थयति, तो विनाम प्रसादा की दृशा वर्तते स्वर्ण मया का तंत्र तंत्रालु भवती बालहा। ठीक है, बाल केसु का आपका आ जाएगा सप्तमी बहुवचन। लता नाम का आपका जाएगा षष्ठी बहुवचन। ठीक है, नदीम नदी फलानी फलानी का जाएगा प्रथमा बहुवचन। नदीम जो है आपकी नदीम का जाएगा आपका द्वितीय बहुवचन। हाम का आपका जाएगा बीता हुआ, हाँ बीता हुआ कल, और कुत्र का अर्थ होता है बेटा कहाँ, कर पाओगे? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर है आपका एक वाक्य में उत्तर, पठती क्रियापदे का धातु अस्ति, तो पट धातु है इसमें, पठिष्यति में भी पट धातु है, ठीक है, पटता में भी पट धातु है, ये धातु धातु भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी बेटा एक वीडियो में नहीं पता पाएंगे, अपन आगे पढ़ेंगे, अपन सारे बार बार उस बात को अपन रिपीट नहीं करेंगे। गम धातु लंग लकार से उत्तम पुरुषा एक वचनम रूपम, तो देखो गम धातु है लट लकार से, तो इसमें आ जाएगा आपका आ डेडेस मा, ठीक है, आ डेडेस मा, अरे बीच में अपनी धातु लिख दो, तो जो गम है ना जब प्रयोग करते तो गच्छे बनता है, तो ये बन गया आपका आ गच्छम। ठीक है, भविष्यति इति रूपम कस्य लकारस्य अस्ति, लरट लकारस्य, कौन सा लकार है? लरट लकारस्य। पिवतु इति पदे वचनम किम, पिवतु में कौन सा वचन है? बहु वचन।
प्रहरा इतस्मिन पदे उपसर्गस्ति, प्रा उपसर्ग है। दुराचारा पदे उपसर्ग किम, दुराचार में आपका कौन सा उपसर्ग है, दूर उपसर्ग है। अहम दीर्घा कथाम पठामि, अत्र विशेष्य पदम कथाम अस्ति, तो इसका आम आ गया, दूसरे का ना है, तीसरा आम है, चौथा ना, पांचवा ना और आम अपने को भर देना है। जितने क्वेश्चन आप कवर कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, नहीं भी कर पाते ना, ऐसे ही है, एक एक चीजों का ध्यान रखना है इसमें आपको, विसर्ग का, कोमो का, और जितनी भी चीजें इसमें पूर्ण विराम है, कोमा है, या फिर इसमें जो भी चीजें जरूरत लगेगी उन सभी का आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले, सबसे पहले आपको शुरुआत में क्या लिखना है, सेवायाम। सेवायाम का मतलब होता है सेवा में, ठीक है, सेवायाम मतलब क्या होता है, सेवा में। श्रीमंता, श्रीमंता, मंता मतलब होता है मान, अपन बोलते हैं ना श्रीमान, हिंदी में श्रीमान, प्रचार्य महोदया, प्रचार्य महोदय, तो सेवायाम श्रीमंता प्रचार्य महोदया। अब यहां पर है आपकी स्कूल का नाम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अब यहां पर ध्यान देना है, बच्चे क्या गलती करते हैं, पूरी चीजें कर देते हैं लेकिन यहां पर कोमा नहीं लगाते। देखो ये कोमा लगाना, अभी अपनी बात पूरी नहीं हुई है, यहां पर भी अपनी बात पूरी नहीं हुई है, अपन कह रहे हैं कि श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहां पर आपकी स्कूल का नाम खड़ी और हाट मध्य प्रदेश, जो भी है आपका, इछावर है, खंडवा है, झाबुआ है, जो भी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये लाइन समझ में आ गई ऊपर का, सेवायाम श्रीमंता प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ीहाट मध्य प्रदेश, ठीक है। अब है आपका है विषय, ठीक है, अब अगला क्या आएगा आपका विषय, किसके लिए अवकाश लिख रहे हैं, तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, ठीक है, इसका मतलब है कि छुट्टी के लिए अपने को अवकाश लिखनी है। अब यहां से समझिए, महोदया, महोदया का मतलब क्या होता है, महोदय जी। सविनयम, सविनयम का मतलब होता है विनम्र, सविनयम का मतलब क्या होता है, विनम्र। निवेदनम, निवेदन है और अस्ति है, एक एक शब्द का अर्थ समझो, सविनयम का मतलब क्या है, विनम्र, निवेदनम मतलब निवेदन और अस्ति मतलब हो गया यद, यद का मतलब होता है की, जो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, यद को की, क्या आप लाइन का अर्थ बोलो यहां से आ तक का, सविनय निवेदनम अस्ति, यहां विनम्र निवेदन है की। अहम, अहम का मतलब है मैं, अहम का मतलब मेरे नहीं, अहम का मतलब मैं। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है आज। सहसा यानी कि बुरी तरह, एक एक शब्द का अर्थ समझो, फिर से समझो, सविनयम का मतलब हो गया है विनम्र, निवेदनम का मतलब हो गया है निवेदन, अस्ति मतलब है हे, यद का मतलब है की, अहम मतलब है मैं, अज्ञ आज, सहसा मतलब बुरी तरह, बुरी तरह अपन बोलते नहीं, वो बहुत जोर से बुरी तरह, वही है ज्वर पीड़ित, हो ज्वर मतलब है बुखार और बुखार से पीड़ित, और अस्मी का मतलब होता है हूं, अस्मी मतलब होता है हूं, हे हा ही हू हे है, जो जरूरत पड़े, तो अपने को यहां पर मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूं, अब बुखार से पीड़ित है ऐसा नहीं बोलेंगे अपन, हूं बोलेंगे, इसलिए यहां पर है की जगह पर क्या गया, हूं। समझ में आया तिलाइन, देखो अवकाश को याद कर लेना है, साथ में इसमें कोमा का विशेष ध्यान देना है, साथ ही साथ एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इसका अर्थ याद रहेगा तो जीवन भर याद रहेगी है। तो चलो समझो, सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम आज्ञ हा सहा सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, आज मैं क्या हूं, बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूं। अतः, अतः मतलब होता है अतः, इसलिए है। विद्यालयम, विद्यालयम का मतलब क्या हो, विद्यालय। आगंतुम आने में, आगंतुम का मतलब होता है आने में। असमर्था, असमर्थ मतलब नहीं आ सकता साहब, और अस्मि मतलब वापस आ गया, ठीक है। फिर से देखो लाइन को, तो यहां से अपन यदि हिंदी में बात करें तो अपन ने बोला है कि विनम्र निवेदन है
कि मैं आज बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूँ, अतः विद्यालय आने में मैं असमर्थ हूँ। कृपया, कृपया आने की कृपया भाई साहब प्लीज है इंग्लिश में, प्लीज हिंदी में कृपया मम मम। हाँ, अब यहाँ पर देखिए एक हलंत लगेगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है ना, मैं यहाँ पर बच्चे ने जो लिखा जो मैं गड़बड़ कर दी, मम में क्या जाएगा नीचे, ये से यहाँ पर लगा ना हलंत ये रहेगा, है ना। तो मम पंच दिवास नाम, पंच दिवास नाम पांच दिन, कभी कभी वो द्विदिवास नाम बोल देता है, ठीक है। तो एग्जाम में यदि वो द्विदिवास नाम पूछे आपसे तो आपको क्या लिखना है, द्विदिवास नाम बस यहाँ पर, और कुछ अलावा कुछ भी नहीं बदलना है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि बात करें कि पेपर में ऐसा आ जाए कि स्वप्रचार्य कृते अवकाशा प्रथम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषाया लिखा, यहाँ पर एक एक दिन नहीं है, प्रश्न की लाइन पढ़ो, एकम प्रार्थना पत्र, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, यहाँ द्वि अवकाशनाम ऐसा नहीं दिया है, अवकाशार्थम लिखा रहता तो यहाँ शुरुआत में लिखा रहता है, यहाँ पर आप मंचाओ तो पांच दिन की ले लो, नहीं तो महीने खान की ले लो, ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं। चलो आगे बढ़े भैया, तो कृपया मम पंच दिवास नाम अवकाशम स्वीकरंतु, कृपया मुझे पांच दिन की अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है दिनांक, दिन धन्यवाद और दिनांक। अब विशेष क्या ध्यान देना है, जो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं यदि कोई बॉयस है यानी कि लड़का है तो वो यहाँ पर भवद्वीय लिखेगा और विसर्ग लिखना पड़ेगा, इसको कॉपी में अपन समझते हैं, ठीक है, इसको अपन कॉपी में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यदि हम लड़का है और लड़का है किसी का नाम लड़के बॉय से है तो बॉय से में क्या लिखेंगे अपन, भव दी या, इसमें आ जाएगा ये लड़कों के लिए, ठीक है, ये किन के लिए आ गया आपका, और यदि किसी लड़की का नाम है तो उसमें आपको विसर्ग नहीं लिखना है, ठीक है, बड़ा की मात्रा चढ़ानी है, सही में आगे बात नहीं है। एक दो जगह अपन देख लेते हैं ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, क्योंकि देखिए नंबर कट जाएंगे भैया हैं, नहीं तो पता चले कि अपन मेहनत तो खूब करा अपन ने, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बच्चे का नाम है ये सार्थक भारद्वाजा, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन क्या लिखा है, भवदीय शिष्या, क्या लिखा है, भवदीय शिष्या, तो ऐसा लिखना है यहाँ पर है कॉपी में, ये अंत वाला चैप्टर जो है वो इस टाइप से लिखना अपने को, भवदीय शिष्या, और यहाँ पर नाम अपना लिख देना है, नीचे भी लिख दोगे चलेगा है, पर यदि लड़की है तो यहाँ पर भी विसर्ग और शिष्या में भी विसर्ग, सॉरी लड़कों में, ठीक है, ये लड़कों में देख लो, यही पे देखो भवदिया विसर्ग है और शिष्या में भी विसर्ग है। यदि एक आधी लड़की का नाम देख लो कहीं से लिखा हो तो यहाँ पर देखते हैं किसी लड़की का नाम, ये यहाँ पर देखो, ये आपका यहाँ पर है भवदीय शिष्या, देखो दोनों में विसर्ग नहीं है, ठीक है। विसर्ग कब लगाएंगे, यदि कोई लड़के का नाम बोलेगा तो विसर्ग लगाना, दोनों में बड़ा की मात्रा नहीं लगानी है, जैसा कि ये अपन ने पहले बता भी दिया अभी, ठीक है। तो अवकाश प्रार्थना पत्र बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें केवल और केवल जो एग्जामिनर होता है ना वो पहले तो यहाँ पर चेक करता है ये यहाँ पर गलती करी नहीं करी, और थोड़ी बहुत इसमें विसर्ग इनको देखता है, ठीक है। तो समझा दिया मैंने अच्छे से आपको, फिर से समझो एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि सेवायाम श्रीमंत प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ी हाट मध्य प्रदेश अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। अगला है हमारा महोदय, ठीक है, सविनय निवेदयामी, ठीक है, सविनय निवेदयामी, सॉरी निवेदनम अस्ति, तो सविनय निवेदन है, यद मतलब कि अहम आज्ञ में आज सहसा यानी कि बुरी तरह ज्वर पीड़ित हो यानी बुखार से पीड़ित और अस्मि मतलब क्या हूँ, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्था अस्मि, ठीक है, अतः विद्यालय आने में कैसा हूँ, असमर्थ हूँ, भैया महीना पर दो तीन महीने की थी तो छुट्टी, कृपया मम पंच दिवास नाम अवकाशार्थम प्रार्थना ए अवकाशम स्वीकरंतु, ठीक है, और धन्यवाद। यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे, अभी बता ही दिया मैंने, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं वो आराम से इन चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, ये हो गया यहाँ से।
तो आप अपने ध्यान से सोल्व करो, मैंने तरीका पहले भी बता दिया चैनल पर, अपलोड है वीडियो नहीं याद है तो अभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको मिस मत करना, अवकाश रहेगी, निबंध रहेगा और आपका अपठित अध्ययन को कैसे सॉल्व करेंगे वो रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया, इतना हो गया तक, और इसके बाद में ये यहाँ से रहेगा 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 यहाँ से। और अपठित अध्ययन जो है, ठीक है, बाकी अपठित गद्यांश से उसमें से छाटने के रहेंगे, उनको सबको मैं अपठित गद्यांश ही कहते हैं, तो उनको अपन अच्छे से वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। और अवकाश और निबंध का वीडियो तो मिस करना ही मत बिल्कुल, ठीक है, उसमें अपन देख लेंगे। चलिए बच्चों, तो ये आपका प्रश्न पत्र था, एक सिंपल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हम किसी के साथ धोखाधड़ी का काम नहीं करते, ठीक है। बोल दूं कि रियल पेपर, अब हर जिले में भाई साहब अलग अलग पेपर, एमपी बोर्ड में मान के चलो किसी जिले में रिपीट आ भी गया तो कम से कम मानो मिनिमम मान के चलो 40 ही जिलों में, ज्यादा नहीं तो 40 ही जिलों में अलग अलग पेपर आए। अब कभी 40 वीडियो में बनो और 40 ही वीडियो के रियल पेपर डालो आपके जिले का, तो आप खुद ही समझदार है यार, है ना, 40 पेपर का याद हो क्या, किसी से नहीं हो। तो बेटा मैंने आपको तरीका बताया किस तरीके का पेपर आएगा, पूरे फंसेंगे इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है, ये बदल जाएगा थोड़ा बहुत, पर बाकी चीजें फंसने के चांस पूरे रहेंगे। चले मिलते हैं अगले वीडियो में।